बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलें जी, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का दिन मेरे खूबसूरत दिनों में से एक दिन है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे भाई को अल्लाह ताला ने जो है वो औलाद की नेमत से नवाजा है। माशाल्लाह उनके आज बेटे पैदा हुए हैं। आज जो है ना वो हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके बच्चों को अल्लाह ताला नेक बनाए, लंबी ज़िंदगी दें, सेहत तंदुरुस्ती दें, माँ और बाप का साया हमेशा उनके सर पर सलामत रखें। आमीन सुमा आमीन। बेटे को तो मैं स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी, अब जो है ना वो थोड़ी सी डस्टिंग कर ली जाए, क्योंकि मेरी मेड जो है ना वो 8:30 बजे तक आ जाती हैं। तो उनके आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं डस्टिंग वगैरह जो है ना वो करके रखूँ। देखें, डस्टिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ये देखें, हालांकि हमारे घर में रोज़ जो है ना वो डस्टिंग होती है, लेकिन इतनी डस्ट है यहाँ पर कि आप जितनी मर्ज़ी रोज़ डस्टिंग कर लेना, आप जब जो है वो आप अपनी खिड़कियाँ खोलेंगे, आपकी जालियों में से ना ऐसी मिट्टी निकलेगी। और ये वाला झाड़ू जो है ना मैंने स्पेशल ये इसी के लिए रखा हुआ है, डस्टिंग के लिए ना, जो चीज़ें वगैरह झाड़ने के लिए होता है बस उसके लिए रखा। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको ये दिखाने लगी थी, मैंने ना ब्रेड क्रम्स के लिए ब्रेड को ड्राई किया हुआ है। अब इसमें उसके ना मैं ग्राइंड कर लूँगी, इसको चॉप कर लूँगी, चॉप करके ना इसका बारीक सा जो है ब्रेड क्रम बना लूँगी। इसमें मैं साथ ही ऐड कर दूँगी ऑरिगेनो, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, उसके साथ इसको ब्लेंड कर दूँगी। इतना अच्छा टेस्ट इसका आता है ना, और आपने नगेट्स बनाने हैं या कटलेट्स बनाने हैं, आप उसके ऊपर इससे कोटिंग करें, बहुत ही लजीज टेस्ट आएगा। तो बस ये ड्राई देखें, अच्छे से ना ड्राई हो चुके हैं, तो आज मैं इसके ब्रेड क्रम्स भी बनाने वाली हूँ। बस मैं इसी तरह से ना ब्रेड क्रम्स जो है वो बना के रख लेती हूँ। जितनी जैसे मैं कोई मीठा बनाऊँ तो ब्रेड के एजेस ट्रिम कर लेती हूँ, तो वो रह जाते हैं। और मोस्टली बच्चे जब ब्रेड खाते हैं ना, तो उसके फर्स्ट वाला पीस और लास्ट वाला पीस वो खाते हैं, तोड़ देते हैं। अच्छा, मैं तो ब्रेड वैसे भी शौक से नहीं खाती हूँ, तो मैं इस तरह से उसको रख लेती हूँ और ड्राई कर लेती हूँ, तो वो मेरे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। अच्छा देखें, साथ ही मैं ना इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ी सी जो है वो चिली फ्लेक्स। इससे ना मेरे ब्रेड क्रम्स का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। जब मुझे कोटिंग करनी होगी ना, तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो ब्रेड क्रम्स में टेस्ट आ जाता है। ये देखें कितने ज़बरदस्त से सॉफ्ट से जो है ना वो आपके ब्रेड क्रम्स रेडी हैं। इस सारे ब्रेड क्रम्स करके किसी एयर टाइट जार में इसको जो है वो रख लूँगी, और जब मुझे कोई चीज़ बनानी है, कटलेट्स बनाने हैं या किसी नगेट्स पे कोटिंग करनी है, तो मैं ये ब्रेड क्रम्स यूज़ करूँगी। माशाल्लाह से मेरे कितने सारे जो हैं वो ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुके हैं। अब इनको जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। बस बच्चे स्कूल जाते हैं ना, सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, तो बस कपड़े भी मैंने कल धोए थे। आजकल कराची का मौसम ना थोड़ा सा ठंडा हो रहा है ना, तो रात को ओस पड़ती है, तो उसकी वजह से ना कपड़े इतनी जल्दी ड्राई हो नहीं रहे हैं। तो इसको अभी एक धूप लगने की और ज़रूरत है, और मेरी कोशिश होती है कि कपड़ों को अच्छे से धूप लग जाए, ताकि जो है ना स्मेल ना आए कपड़ों में से। चले, मैं ज़रा सी डस्टिंग करके सेट करके फिर आपसे ना मिलती हूँ। चला, इतना वेट करने के बाद मालूम हुआ कि हमारी मेड ही नहीं आई है, तो बस फिर सुबह सुबह जो है वो एक और काम का इजाफा हो गया हमारे कामों में। मैं कहती हूँ इंसान ना सारे काम कर ले, बस झाड़ू पोछे की जहाँ बारी आती है ना, वहाँ थकावट होने लगती है। बस मुझसे झाड़ू पोछा जो है ना वो थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो बस फिलहाल अब तो ज़रूरी है ये काम, तो बस सफाई वगैरह करके मिलते हैं। चलें जी, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है लाहौरी चने, वो भी काली मिर्च वाले। अच्छा जी, उसके लिए जो है ना वो हमें तकरीबन 350 ग्राम चने चाहिए। चनों को मैंने रात को भिगो दिया था, और भिगोते वक्त इसके अंदर मैंने जो है वो 1 टीस्पून मीठा सोडा ऐड कर दिया था। मीठा सोडा ऐड करने से ये होता है कि आपके चने जो होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं जब वो बॉईल होते हैं, तो बस वो ऐड किया है। इसको मैंने तकरीबन 10 से 11 घंटे सोक करके रखा था, फिर मैंने इसको अभी इसका जो रात वाला पानी था वो गिरा दिया है, और फ्रेश पानी से 2-3 दफ़ा इसको अच्छी तरह से धो लिया है। हम इन चनों को जो है वो एक पतीले में ले लेंगे। इसके साथ ही ना मैंने 2 टेबल स्पून जो है 2 चम्मच बड़े वो चने की दाल होली थी उसको भी गो दिया था, और साथ ही में मैंने मूंग मसूर की दाल ली थी 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 2.5 ग्लास ऑफ वाटर। वाटर ऐड करने के साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी
तकरीबन 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। अच्छा, मीठा सोडा आपने अगर ऐड करना है तो मीठा सोडा ऑप्शनल है, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। मीठा सोडा आप ऐड करेंगे तो जल्दी आपके चने बॉयल हो जाएंगे। इसको मैं जस्ट एक बॉयल बनाऊँगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो है वो स्लो फ्लेम पे इसको बॉयल करूँगी, या उस वक्त तक जब तक आपके चने जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। चने बॉईल करते हुए ये जो झाग आएगी ना, ये आपने ये सारी निकाल देनी है, इसको आपने नहीं रहने देना अंदर, ठीक है ना। इसको निकालने के बाद देन आप अपनी चूल्हा जो है वो बिल्कुल लो कर दें, आप अपना फ्लेम चूल्हे का जो है वो बिल्कुल लो कर दीजिएगा और फिर इसको बॉईल करेगा। लेकिन उससे पहले ना ये सारी जितनी झाग आप देख रहे हैं ना, इस सारी झाग को आपने जो है वो रिमूव करना है इसमें से, ठीक है। देन उसके बाद आप इसको स्लो फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख दीजिएगा। जी ये देखिए हमारे जो चने हैं ना वो बहुत अच्छे से जो हैं वो गल चुके हैं। ये देखिए ये जो चना है ना बिल्कुल आराम से सॉफ्ट टूट रहा है, तो अब हम इसको ड्रेन आउट कर लेंगे और फिर इसका मसाला जो ड्रेन आउट, इसका पानी हमने ड्रेन नहीं करना, पानी को हम रख लेंगे। और इनमें से 3 प्याली चने जो है वो मैं यूज़ करूँगी अपनी कुकिंग में, और 1 प्याली जो है वो मैं इसमें से निकाल लूँगी, वो भी कुकिंग में यूज़ होंगे, लेकिन उसको मैं ब्लेंड करके उसका एक पेस्ट बना लूँगी, वो पेस्ट उसमें ऐड होगा। पहले जी बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने पतीली ले ली है और इसमें मैं जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून देसी घी बन डालूंगी। अच्छा ये चने जो है ना वो देसी घी के अंदर जो है वो अच्छे से बनते हैं, तो मैं इसमें देसी घी तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। अच्छा ये देखिए मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो घी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा घी इसमें अमूमन ज़्यादा डलता है चनों में, क्योंकि चने जो है ना वो ऑयल पीते हैं, जितनी दालें होती हैं ना वो ऑयल को एब्जॉर्ब करती हैं, तो लेकिन हम लोग इतना ऑयल यूज़ करते नहीं है, तो मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून में ही बनाऊँगी। वरना तो जितने चने होते हैं ना इस रेसिपी में जो है ना वो उतना ही ऑयल डलता है, तो बस इतना मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी डाला है। अब इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और आप चाहें तो इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके साथ मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं, 5 से 6 मैंने लौंग ली है, 8 से 10 मैंने काली मिर्चें ली हैं गोल, 1 मैंने ली है बड़ी इलायची, 4 से 5 जो छोटी इलायची ली है, 1 टुकड़ा जो है मैंने दालचीनी का लिया है, और ये 1 बादियाने का फूल है, ये मेरे पास उसके बकिया जात थे तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। बस ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं अपने मसाले। इसको थोड़ा सा मैं जस्ट कड़कड़ाऊंगी, थोड़ा सा रोस्ट करूंगी और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स, ठीक है ना, दादर मिर्च। और इसको जो है ना मैंने अब अच्छे से जो है वो भूनना है अपनी इस रेड मिर्च को। अच्छा इसको इस तरह भूनना है कि बस आप इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ में इसमें हल्का हल्का जो है ना वो पानी का छीटा देते जाएगा ताकि मसाला जले भी ना। इसका हमने एक स्मोकी सा फ्लेवर देना है इसके अंदर ना, जस्ट ऐसे आप ऐसे ऐसे इसको पकाएंगे और साथ ही अब इसमें हल्का हल्का सा वक्र अच्छे से देंगे। आपने भी है ना देखिए कितनी अच्छी मजे की आवाज आई है, बस आपने हल्का हल्का पानी डालते जाना और इसको जो है वो अच्छा सा जो है वो स्मोकी सा फ्लेवर देता जाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अच्छा ये देखें जो हमने चिली फ्लेक्स इसमें ऐड किए थे, इसको एक स्मोकी सी ना इसकी बड़े अच्छा सा जो है वो अरोमा आना शुरू हो गया। बस यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 लार्ज अनियन, उसको मैंने पेस्ट बना लिया अच्छे से जो है वो मैं इसको निकाल लूँगी और इसको जो है वो मैं अच्छे से भून लूँगी। देखिए यहाँ पर जो है तो हमारा प्याज जो है अच्छे से भून चुका है, अब उधर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और ऊपर 1 टेबल स्पून, ठीक है। उन्होंने हाफ किया वन, आप जिस तरह से मुझे मैं थोड़ा सा ज्यादा ऐड करती, आप जिस तरह से ऐड करती हैं उस तरह से ऐड कर लीजिएगा। इसको भी मैं जरा भून लूंगी ताकि इसका जो कच्चा पाना और इसकी जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। जो अभी से जो है ना वो इतनी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, लेकिन चाहे जब ये बन के रेडी होंगे ना जब ये, तो इसके कमाल के चने आप कहेंगे, बाकी वही चने हैं जो बाजार में मिलते हैं काले नमक वाले। काली यहाँ पर मैं इस रेसिपी में जो है वो टमाटर ऐड नहीं करूँगी,
तो उसकी जगह पे मैं यहाँ ऐड करूँगी दही। और दही जो है ना वो बहुत अच्छा सा एक क्रीमी सा टेक्सचर और एक खटास चलो में जो हल्की सी होती है ना वो लेके आएगा। ज़्यादा नहीं, जस्ट हम इसमें हाफ कप यूज़ करेंगे योगर्ट का। फिर मैं मिक्स करूँगी। अब दही को मैं इतना भूनूंगी कि इसका जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए और तेल सारा जो है वो ऊपर आ जाए। अच्छे से मैं इसको दही को जो है वो भून लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर की तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें, ठीक है। सॉल्ट में 1/2 टीस्पून ऐड करी क्योंकि मैंने चने बॉईल करते हुए भी उसमें सॉल्ट डाला था। 1/2 टीस्पून मैं इसमें जो है वो ऐड करूँगी टर्मेरिक और तकरीबन 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। मसालों को जो है ना वो मैं अच्छे से दही के साथ ही भून लूँगी। चलिए इसको भून के फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ देखिए हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है और जो ये दही है ना ये बिल्कुल क्रीमी सा एक टेक्सचर बन गया है इसका, बिल्कुल ऐसे जैसे खोया होता है। अब इधर ना हम अपने चने जो हैं वो इसमें सारे ऐड कर लेंगे, हमने बॉईल करके दाल के साथ। इसमें चने की दाल, मूंग मसूर की दाल और चने, ये तीनों चीज़ें हमने ऐड की हुई थी। अब बस इसको इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से हम इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हमने जो 1 कप चने निकाले थे उसका पेस्ट बना लिया, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये स्टेप आपने स्किप नहीं करना, ये बहुत मेन स्टेप है और इसी से जो है ना वो आपके चनों का असल बाजारी जो है ना वो टेस्ट आने वाला है। बस इसको जो है वो हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, देखो बिल्कुल एक गाढ़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर जो है ना वो अभी से आना शुरू हो गया। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अल्लाह का नाम लिया करें कुकिंग के टाइम पे, अल्लाह के नाम से शुरू किया करें कुकिंग। अल्लाह ताला खाने में बरकत भी डालते हैं और उसके टेस्ट को भी अच्छा करते हैं। हर काम जो है ना वो बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि इस मुश्किल टाइम पे, इस महंगाई के दौर में भी हम जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छा खाना, 102 वक्त की रोटी जो है वो नसीब करते हैं। अल्लाह ताला हमें भूखा नहीं सुला रहे हैं, किसी का मोहताज नहीं कर रहे हैं, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जिन लोगों को हमारी इस टाइम पे ज़रूरत है हमें उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे हम 1 रुपए की मदद क्यों ना कर सकें, हमें ज़रूर करनी चाहिए। मदद करने से पीछे हटना नहीं चाहिए क्योंकि कितने ही ऐसे ख़ानदान हैं जो कि सफ़ेद पोश हैं, जिनके घरों में गुजारे बहुत मुश्किल है। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र रखें ताकि आपको मालूम हो कि किसको जो है वो किसी चीज़ की ज़रूरत, किसी को तो नहीं है। अगर किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ उसकी हेल्प ज़रूर करिए, क्योंकि जितना आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे अल्लाह ताला उससे दुगना आपको अता फरमाएंगे। ये नहीं कह रहे कि आप हज़ारों में जो है वो खर्च करें, जितनी आपकी तौफीक है आप उतना लाजमी दिया करें अल्लाह की राह में। आप देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना आपको और नवाजेगा। चलिए जी, देखें यहाँ पर जो है ना मैं ऐड कर देती हूँ वो पानी जो मेरे चनों को बॉईल करते हुए बचा था, उसी पानी को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मुझे ये पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा और पानी ऐड करूँगी और इसको एक बॉईल दिलवा दूँगी। अब ये देखें यहाँ पर चनों को जो है वो बॉईल आ रहा है, इसी में मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें। आप मिर्चें देख के ऐड करिएगा क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए, अगर ऐसे खा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च, क्योंकि मैंने काली मिर्च अभी तक ऐड नहीं की थी, इस वजह से नहीं ऐड की थी क्योंकि अगर आप शुरू में ऐड कर दें तो आपकी सालन का कलर ना ख़राब हो जाता है। बस आप इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जो है 1.5 टीस्पून काली मिर्च इसमें ऐड करनी है, ठीक है। बस इसको अच्छे से जो है मैं मिक्स कर लूँगी। 1 टीस्पून ऐड की थी, 1/2 टीस्पून मैं इसमें और ऐड करूँगी। और ये मैंने जो है वो कूटी है, घर में कूटी है, कूटी हुई लाल काली मिर्च है ये, ठीक है ना। अब इसमें ऐड कर दें और बस इसको हल्की आँच पे जो है वो आप पका लीजिए, जब तक इसका जो है वो पानी थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। ये अब इसका ढक्कन उठा के देखते हैं कि कब कहाँ तक बन, माशाल्लाह ये देखिए इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है और कितने हमारे माशाल्लाह से खूबसूरत और मज़ेदार जो है ना वो चने
रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह, इनको जो है वो अब हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल आपको जो है वो बाज़ार वाला का टेस्ट ना आए आए ना, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि नहीं भाई आपने बनाए थे और वैसा वाला टेस्ट नहीं आया, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह जो है वो अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने देखें इतनी तरी नहीं डाली है क्योंकि मैं जो है वो ऑयल इतना यूज़ नहीं करती। अगर आपने ज़्यादा ऑयल डालना है तो आप इसके ऊपर से देसी घी डाल लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें तेल ही ज़्यादा डालें। और माशाल्लाह से ये हमारे जो है ना वो ज़बरदस्त से चने रेडी हैं। वो जो है ना वो अब मैं कर लेती हूँ अपनी ग्रीन चिलीज़ के साथ गार्निश, और गरम गरम नान या घी वाली रोटी के साथ ना आप इसको एंजॉय करें, बहुत ही मज़े के और लजीज हमारे जो है ना वो मुर्ग को जो है ना वो टक्कर देने वाले छोले बन गए हैं। तो ये देखिए ये हमारे रेडी हैं काली मिर्च के लाहौरी चने। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि वाकई ही आप मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही हैं। और जो रेसिपी आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।